अभी हम इंडिया में पोरबंदर में है, तो मेरा जो सेटअप है वो तो यहाँ पे नहीं है, पर जो भी है यहाँ पे है, और उसमें से मैं अच्छे से अच्छी रेसिपी आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। ओके तो देखिए आज हम क्या बना रहे हैं। चलिए देखते हैं ये क्या बन रहा है। उत्तरायण आ रही है, मकर संक्रांति, तो चिक्की तो बनती ही है। ओ वाओ, तो आज हम बनाएंगे मूंगफली की चिक्की। ओके, उसके लिए मैंने मूंगफली ले ली है, उसको हल्की सी सेक के उसके छिलके निकाल के हाफ ऑफ कर दिया है। शुगर है और देसी घी, देखो ये घी तो बस इंडिया में मिलता है। तो बस हम जल्दी से बना लेते हैं चिक्की। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें एकदम थोड़ा सा घी डालेंगे। ओके, जैसे 1 टीस्पून जितना। हाँ, 1 टीस्पून, और एक बाउल शुगर है वो भी इसमें डाल देंगे। ओके, और अभी हम इसे एकदम स्लो आंच पे इसको पिघलने तक मिक्स करते रहेंगे। ओके, शुगर को पिघलाना है, नहीं पानी डालना है, नहीं कुछ, और ऐसे ही मिक्स करते रहेंगे। ओके, तकरीबन 10 से 12 मिनट बाद शुगर ने पिघलना शुरू किया है। जब तक ये शुगर अपनी कैरमलाइज होती है तब तक हमें ये चिक्की को कहाँ पे सेट करना है वो रेडी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक थाली ले ली है और उसको घी से ग्रीस कर ली है, तो इसे हम रेडी रखते हैं, क्योंकि ये जैसे ही पिघलती है ना शुगर, हमें जल्दी से जल्दी उसके ऊपर सेट करना है। देखिए मस्त पिघलने लगी है, मैंने इसमें कोई कुछ भी नहीं डाला है, ना पानी डाला है, ना और कोई चीज़ घी के अलावा घी डाला है थोड़ा सा, और शुगर अपनी पिघलने लगी है। और मूंगफली को मैंने हल्का सा रोस्ट किया था, और वो रोस्ट कैसे करते हैं और उसके छिलके कैसे निकालते हैं वो मैंने जो मूंगफली के मोदक बनाए हैं ना उसमें सारी रेसिपी दे दी है, तो आप वो जाके चेक कर सकते हैं। इस टाइप पे मैंने गैस को थोड़ा सा फास्ट किया है ताकि ये अच्छे से जितनी भी शुगर थी ना वो पिघल जाए। अब मस्त पिघल गई है। हाँ देखिए मस्त पिघल चुकी है। अभी यहाँ 1 कप मूंगफली है, जितनी शुगर उतनी मूंगफली ली है, और इसे अच्छे से मिलाएंगे। देखिए मस्त मिक्स हो चुकी है जी। फौरन इसको थाली के ऊपर डाल देंगे हम। और इसे फटाफट से सेट कर देंगे। अच्छे से बिछा दी है मैंने, हल्का सा बेलन इसके ऊपर घुमा दूंगी। बेलन को भी ग्रीस किया हुआ है। हाँ जी, वरना ये तो चिपक जाएगा सब बेलन। जितना आपको पतला करना है, मतलब मूंगफली के हिसाब से आप इसे पतला कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सेट कर दी है। ये तो काफ़ी इजी है। इजी है ना, बनाओगे तो पता चलेगा नहीं बट मतलब ऐसे लेंथी रेसिपी नहीं है। हाँ एकदम फटाफट बनने वाली है, 10-15 मिनट में आराम से बन जाएगी। और देखिए कितनी मस्त सेट हो चुकी है। वाओ, 5 मिनट बाद इसको कट करेंगे। अभी हम इसे कट कर लेंगे चाकू की हेल्प से। इस तरह से आराम से कट हो जाएगी। बैकग्राउंड में कोई आवाज़ आए तो उसे थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि ये है इंडिया, इंडिया में कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से मैं कट कर लेती हूँ। देखिए मस्त कट हो चुकी है, इसको मैंने इसी तरह से इजीली निकल दिया है।
और इसी तरह से आप ये साइड वाली भी थोड़ी सी हल्की सी गर्म हो ना तभी निकाल लीजिए। देखिए निकल रही है ना मस्त। हाँ ऐसे घुमा के हर जगह से हम निकालेंगे। पहले देखिए एकदम आसानी से निकल रही है। तो जल्दी से अभी मैं इसे सर्व करती हूँ और आप सबके सामने रखती हूँ। तो देखिए रेडी है मस्त क्रिस्पी करारी मूंगफली की चिक्की, एकदम आसानी से बन जाने वाली। जल्दी से अपने घर में बनाइए और अपने को खिलाइए। देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो कितनी इजीली, देखिए है ना एकदम मस्त फिनिशिंग आया है, एकदम बाजार में मिलने वाली। आपको लगेगा ही नहीं कि ये घर में बनाई है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो शुगर में से इतनी अच्छी चिक्की बनती है वो भी आपको पता चल गया अभी। तो जल्दी से बनाइए और फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल का सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली रेसिपी में। बाय बाय बाय।